Click the like button, and if you are new to the channel, please subscribe and turn on the notifications by hitting the bell icon. इस साल की शुरुआत में Samsung ने CES 2020 में गेमिंग मॉनिटर के Odyssey लाइनअप को अनवेल किया। Odyssey G7 और Odyssey G9 मॉनिटर के लिए प्री ऑर्डर अमेरिका में शुरू हुआ था, केवल G7 को दक्षिण कोरिया में लिस्ट किया गया था। अब कंपनी ने आखिरकार Odyssey G9 को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। Samsung Odyssey G9 की कीमत $1,600 यानी ₹1,21,600 है। यह दुनिया का पहला डुअल QHD रेजोल्यूशन सपोर्ट मॉनिटर है, जो कि Nvidia Ink कंपैटिबल है और इसमें 1000R कर्वेचर है। नया गेमिंग मॉनिटर HDR 10 प्लस को सपोर्ट करने वाला दुनिया का पहला मॉनिटर भी है, जो इसके QLED पैनल के साथ डिस्प्ले HDR 1000 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। हाई एंड गेमिंग मॉनिटर ने अपने यूनिक कर्व डिजाइन के कारण कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड एक्सेसरीज श्रेणी में CES 2020 इनोवेशन अवार्ड जीता था। गेमिंग एंथुजियास्ट्स के पास वास्तव में आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। Samsung Odyssey G9 एक 49 इंच के कर्व पैनल को 5120x1440 रिजोल्यूशन एंड 32:9 एस्पेक्ट रेशियो सपोर्ट करता है। इसके अलावा 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम और पीक ब्राइटनेस के 1000 निट्स के साथ 240 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट है। मॉनिटर DCI-P3 कलर गैमेट 95% को भी कवर करता है और यह Nvidia G-Sync और AMD FreeSync Premium Pro दोनों के साथ आता है। विशेष रूप से यूजर्स की आवश्यकताओं के अनुसार मॉनिटर को रोटेट, स्विवल और टिल्ट किया जा सकता है। पोर्ट्स के संदर्भ में Odyssey G9 में 2 डिस्प्ले पोर्ट 1.4 पोर्ट, 1 HDMI 2.0 पोर्ट, 3 USB 3.0 पोर्ट और 1 हेडफोन जैक है। इसके अतिरिक्त मॉनिटर ब्लैक इक्वालाइजर और वर्चुअल AIM पॉइंट जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। यह अपने 1000R कर्व डिस्प्ले और आई कंफर्ट सर्टिफिकेशन के लिए TUV रीनलैंड की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त करने वाला उद्योग का पहला मॉनिटर भी है। Samsung Odyssey G9 एक सिंगल वाइट ऑप्शन में आता है, लेकिन पीछे की तरफ इन्फिनिटी कोर लाइटिंग एरिया है। यह एरिया 52 कलर्स और 5 अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट्स का समर्थन करता है, तो RGB प्रेमियों को खुशी प्राप्त होगी।